नमस्कार, आपके पसंदीदा श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इंग्लिश भाषा में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन के लिए शुरू किए गए इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में हमारे साथी गौरी शंकर जी धींगड़ा आज बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं GS धींगड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। किसी भी लैंग्वेज में अनेक प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं और उस सेंटेंस में अनेक प्रकार के शब्दों का अपने प्रयोग करते हैं। वो शब्द अलग अलग कार्य करते हैं। उन शब्दों को ग्रामर में उनके काम के आधार पर अलग अलग नाम दिया जाता है। उन्हीं शब्दों को जिनको अपने अलग अलग नाम से पुकारते हैं उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि अपने किसी को नाउन कहते हैं, किसी को प्रोनाउन कहते हैं, किसी को एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से उनके काम के आधार पर, उनके यूज के आधार पर ग्रामेटिकल उनका कोई नाम रख देते हैं, उसे ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और क्योंकि वो अनेक प्रकार के शब्द हैं, इसलिए इस टॉपिक को अपने पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर देता हूँ, आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और कितने होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। एग्जांपल है, बट अलास द टू इनोसेंट चिल्ड्रन हैड गोन देयर विदाउट हर। इस सेंटेंस में 11 वर्ड्स का यूज हुआ है और ये 11 वर्ड्स अलग अलग नाम से इंग्लिश ग्रामर में जाने जाते हैं, उनके यूज के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर। बट को अलग नाम से जानते हैं, अलास को अलग नाम से, द चिल्ड्रन को, इनोसेंट को, हेड को, गोन को, देयर को, विदाउट को, इनको सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है, ग्रामर में उनको क्या कहा जाता है, वो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। बट को कंजंक्शन के अंतर्गत अपने काउंट करते हैं, अलास को इंटरजेक्शन में काउंट किया जाता है, द को आर्टिकल में काउंट किया जाता है, टू किसी नाउन के आगे आने पर उसको डिटर्मिनर में काउंट किया जाता है, अगली को क्योंकि ये विशेषता बताने का काम करता है इसलिए इसको एडजेक्टिव में काउंट किया जाता है, गर्ल्स किसी लिविंग थिंग का नाम है इसलिए इसको नाउन में काउंट किया जाता है, हैड क्योंकि मेन वर्ब से पहले इसका यूज हो रहा है इसके लिए इसको हेल्पिंग वर्ब में काउंट किया जाता है, गोन इसको ग्रामर में मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है, देयर इसको एडवर्ब में इंग्लिश ग्रामर में काउंट किया जाता है, विदाउट इसको प्रीपोजिशन में माना जाता है, प्रीपोजिशन में काउंट किया जाता है, हर इसको एक प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। तो ये 11 वर्ड्स है, इनके यूज के आधार पर अपने इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये भी ध्यान रहे कि कोई भी वर्ड जो है वो अपने यूज के बेस पर हर सेंटेंस में कुछ अलग नाम ले सकता है, उसको कोई अलग पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हैड किसी दूसरे सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो वर्ड क्या काम कर रहा है, उसके आधार पर, उसके बेस पर अपने उसका नामकरण ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, उसी आधार पर उसको जानेंगे। तो आज इन्हीं पार्ट्स के बारे में अपने थोड़ा सा बेसिक सा जानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। इंग्लिश ग्रामर में 11 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटरमिनर, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 11 पार्ट्स हैं। कुछ टीचर्स 8 पार्ट्स मानते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो 9 पार्ट्स मानते हैं और कुछ नए स्कॉलर ऐसे भी हैं जो 11 पार्ट्स मानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होती है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, डिटरमिनर्स क्या होते हैं, कंजंक्शन किसे कहा जाता है, इंटरजेक्शन किसको कहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दूंगा, इनका एक बेसिक सा आपको परिचय दूंगा, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इस बात का वादा है। पूरा वीडियो आखिर तक आपको जरूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन कहते हैं किसी भी चीज के नाम को, चाहे वह पर्सन का नाम हो यानी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, स्थान का नाम हो, थिंग यानी किसी वस्तु का नाम हो, किसी इमोशन का नाम हो, उसे अपने क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। किसी स्टेट का नाम हो, स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब स्थिति, जैसे बहादुर होने की स्थिति को क्या कहेंगे, ब्रेवरी कहेंगे, कायर होने की स्थिति को क्या कहेंगे, कावर्ड कहेंगे। किसी स्थिति का नाम भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। किसी एक्शन के नाम को भी नाउन कहते हैं, जैसे हंसने की क्रिया को क्या कहेंगे, लाफ्टर कहेंगे। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी इमोशन का नाम, किसी स्थिति का नाम या किसी एक्शन का नाम,
नाम चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसे अपने नाउन कहेंगे। व्यक्ति का नाम जैसे गौरव है तो ये नाउन है, स्थान का नाम जयपुर है तो नाउन है, किसी वस्तु का नाम कंप्यूटर है तो वो नाउन है, किसी इमोशन का नाम एंगर है, गुस्सा है तो वो नाउन है, किसी स्थिति का नाम, बहादुर होने की स्थिति को अपने ब्रेवरी कहते हैं तो ये एक नाउन है, किसी एक्शन का नाम जैसे हंसने की क्रिया को क्या कहेंगे, लाफ्टर कहेंगे, तो ये भी एक नाउन है। इस प्रकार किसी भी चीज का नाम, चाहे वो किसी इमोशन का नाम हो, चाहे किसी स्थिति का नाम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, या किसी एक्शन का नाम हो, उसे अपने नाउन कहेंगे। अब बात आती है कि प्रोनाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन और नाउन में क्या अंतर होगा। तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर काम आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे अपने कोई बात बोलते हैं तो उसमें अगर किसी चीज का नाम आता है तो उसको बार बार उसी नाम को अपने आगे पैराग्राफ बोलेंगे या पूरा कोई सेंटेंस बोलेंगे या कोई स्टोरी बताएंगे, उसमें क्या हम बार बार उसी नाउन का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार अपने नाउन का यूज करेंगे, बाद में उसकी जगह अपने प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ अमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, दूसरे सेंटेंस में मैं दोबारा थोड़ी कहूंगा कि अमन इज माई नेबर टू, कह तो सकता हूँ लेकिन अपने ऐसा करते नहीं है, अपने उसकी जगह पर फिर अगर वो मेल है तो उसकी जगह अपने ही का यूज करते हैं, अगर फीमेल है तो शी का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अपने किसी भी नाउन की जगह पर किसी न किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं जब अपने उसी के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं। तो नाउन तो किसी चीज का नाम होता है और प्रोनाउन उस वस्तु या उस व्यक्ति की जगह पर काम आने वाला शब्द होता है, उसके नाम के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे अपने प्रोनाउन कहते हैं। अब जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होती है। एडजेक्टिव ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी को बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आई हैव ए व्हाइट हॉर्स। यहाँ पर जो ये व्हाइट वर्ड है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो हॉर्स की विशेषता बता रहा है, यानी घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, सफेद है। तो यहाँ पर जो व्हाइट वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ये भी ध्यान रहे कि जो भी एडजेक्टिव होती है उसका यूज किसी भी नाउन से पहले होता है, नाउन से तुरंत पहले होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी इज प्रीटी, इसका मतलब है वह सुंदर है। यहाँ पर जो प्रीटी वर्ड है वो शी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वह कैसी है, सुंदर है। तो वह शब्द की यानी वह प्रोनाउन की, शी प्रोनाउन की यहाँ पर विशेषता बता रहा है ये प्रीटी वर्ड जो है, हालांकि ये प्रोनाउन से पहले यूज नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव का यूज किसी प्रोनाउन से पहले नहीं होता, बल्कि जिस प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है उस प्रोनाउन के बाद में सेंटेंस में कहीं जाकर उसका प्रयोग होता है, जबकि नाउन से किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग पहले होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब जैसा कि इसका नाम है, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है और माना यह जा सकता है कि ये क्रिया की विशेषता बताता होगा, लेकिन ये अकेली क्रिया की यानी कि वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, बल्कि एडजेक्टिव के बारे में भी कोई जानकारी देता है, यानी उसके बारे में कोई विशेष बात बताता है, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में कोई विशेष बात बताता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस हुआ, एडजेक्टिव तो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ क्वालिफाई करती है, कुछ बताती है, उसकी विशेषता बताती है, जबकि एडवर्ब होती है वो किसी वर्ब के बारे में या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में कोई जानकारी देती है। ये तीन इसकी स्थितियां हो गई। एडवर्ब वर्ब के बारे में भी जानकारी दे सकती है, किसी एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी दे सकती है और एडवर्ब के बारे में भी जानकारी दे सकती है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी नहीं दे सकती। बात क्लियर हो गई। अब इसके एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं कि कैसे। यहां पर पहला एग्जांपल दिया हुआ है माय फ्रेंड रन्स फास्ट, मतलब है इसका कि मेरा मित्र तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज। तो किसकी विशेषता बताई, दौड़ने की यानी रन की। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर फास्ट शब्द जो है वो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यह दौड़ने की विशेषता बता रहा है, दौड़ने के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि वो कैसे दौड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज वेरी हैंडसम, वह बहुत हैंडसम है, सुंदर है, आकर्षक है। तो यहाँ पर जो हैंडसम वर्ड है वो तो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब विशेषण के बारे में और क्वालिफाई कौन कर रहा है, और कौन जानकारी दे रहा है, कौन सा वर्ड है जो और ज्यादा अपने को जानकारी दे रहा है, वो वर्ड है वेरी, मतलब वो हैंडसम तो है लेकिन कितना, बहुत।
ये जो वर्ड है हैंडसम, ये तो है एडजेक्टिव, लेकिन इस एडजेक्टिव के बारे में जो हमें और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा कोई जानकारी दे रहा है, वो शब्द है वेरी, और उसको अपने कहेंगे एडवर्ब। जो एडजेक्टिव के बारे में कोई एक्स्ट्रा अपने को इंफॉर्मेशन देता है, कोई एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसके बारे में कोई क्वालिफाई करता है, तो उसे अपने क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर वेरी शब्द जो है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्पीक्स वेरी लाउडली, इसका हिंदी अनुवाद है वह बहुत जोर से बोलती है। अब इसमें वर्ब क्या है, स्पीक यानी बोलना, और बोलती कैसे है, जोर से। तो जो क्रिया के बारे में जानकारी दे, वर्ब के बारे में जानकारी दे, वो वर्ड क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर लाउडली क्या है, एडवर्ब है। अब फिर वेरी क्या है, लाउडली क्या है, एडवर्ब है, यानी जोर से बोलती है, लेकिन कितना जोर से बोलती है, बहुत जोर से बोलती है। तो ये जो लाउडली के बारे में भी जो एक्स्ट्रा अपने को जानकारी दे रहा है, जो इस एडवर्ब के बारे में हमें कोई और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, वो वर्ड है वेरी। तो जो किसी एडवर्ब के बारे में जानकारी दे, वो भी एडवर्ब ही होता है। तो यहाँ पर वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। यानी तीसरे सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में वेरी भी एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कहते हैं ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शब्दों को जो किसी एक्शन को बताते हैं या किसी स्थिति को बताते हैं। हिंदी में कहा भी जाता है कि जिन शब्दों से सेंटेंस में किसी काम का करना या होना प्रकट होता हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। वही बात इंग्लिश में है कि जिन शब्दों से इंग्लिश के सेंटेंस में किसी एक्शन का या किसी स्टेट का, किसी स्थिति का पता चलता हो, ग्रामर में उनको वर्ब के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ए काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। ये जो है वर्ड है इज, ये जो है ये गाय की स्थिति को बताता है कि वो क्या है, कैसा है, तो होने की स्थिति को बता रहा है। बी की फॉर्म के रूप में यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। यहाँ पर इज जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। ये ध्यान रहे कि इज मेन वर्ब के रूप में भी आता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब में भी अपने यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करते हैं। अगर ये अकेले होते हैं तो ये मेन वर्ब होते हैं, और अकेले नहीं होते, इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब और होती है, मेन वर्ब कोई और होती है, तब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉयज प्ले इन द स्ट्रीट, लड़के गली में क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या करते हैं, खेलते हैं। यहाँ पर खेलना क्या है, उनका एक्शन है, उनका कार्य है, क्रिया है। जो वर्ड किसी एक्शन को बताता हो, एक्शन होने को बताता हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो इस सेंटेंस में जो ये प्ले वर्ड है, ये एक वर्ब है। अब बात आती है कि फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो मेन वर्ब से पहले आकर के उस मेन वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करती हैं, उसके सेंस को कंप्लीट करती हैं, उन्हें अपने हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, उनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को अपने क्लियर करते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे रखा है आई एम वॉचिंग ए मैच एट दिस टाइम। यहाँ पर जो वॉचिंग है वो तो है मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस का हिंदी अनुवाद है मैं इस समय एक मैच देख रहा हूँ। तो मेन एक्शन तो क्या हो रहा है, देखने का हो रहा है, लेकिन ये जो हूँ शब्द है, एम जो शब्द है, ये इसके अर्थ को कम्प्लीट कर रहा है। तो एम यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर रीडिंग ए नोवल देन, इसका मतलब है तुम तब उपन्यास पढ़ रहे थे। तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब तो है रीडिंग, लेकिन थे पढ़ रहे थे, रीडिंग तो पढ़ रहे हो गया, लेकिन थे के लिए किस वर्ड का यूज किया गया, वर्ब का। रीडिंग जो वर्ड आया है, जो मेन वर्ब आई है, उसके सेंस को कम्प्लीट करने में हेल्प कौन कर रहा है, ये जो वर वर्ड है ये कर रहा है। जो मेन वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करता है, उसके सेंस को कंप्लीट करता है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर वर जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी भी सेंटेंस में स्थिति को बताते हैं। आपस में किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन्स की क्या स्थिति है, जो इस बात को क्लियर करते हैं, उन वर्ड्स को अपने प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है प्रीपोजिशन, यानी ये नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। माई बुक इज देयर ऑन द टेबल, मेरी किताब वहां मेज पर है। अगर यहाँ पर ये ऑन वर्ड ना हो, इसका मतलब है पर, ये अगर शब्द ना हो तो बात का मतलब ही नहीं निकलेगा, इस सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा मेरी किताब वहां मेज है, तो बात का कोई मतलब नहीं निकला।
लगेगा, लेकिन ये ऊन वर्ड लगने से मेज पर है, पर शब्द से यानी ऊन शब्द से सारा अर्थ ही बदल गया। स्थिति क्लियर होगी कि बुक की स्थिति क्या है, टेबल की स्थिति क्या है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, ये सब बात क्लियर हो गई एक ही वर्ड से ऊन से। तो ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस द्वारा जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये बाय शब्द हटा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब ही नहीं निकलेगा सेंटेंस का। ये बाय शब्द लगते ही इस सेंटेंस का अर्थ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं स्कूल बस द्वारा जाता हूँ। तो स्कूल और बस की पोजीशन, उसकी स्थिति को सेंटेंस में आपस में जोड़ने, स्थिति को क्लियर करने का काम जो कर रहा है वो ये शब्द कर रहा है बाय। तो बाय यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी नाउन से पहले लग करके उसको जनरल या स्पेसिफिक बना देते हैं। इस आधार पर आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दा आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन को काउंट किया जाता है। ए एन जिस भी वर्ड के आगे लग जाते हैं वो एक आम वस्तु बन जाती है, ए एन का यूज कोई या एक के अर्थ में किया जाता है, और दा लगते ही वो नाउन जो है विशेष बन जाती है। एग्जाम्पल है वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक, हमने पिछले सप्ताह ताजमहल देखा। तो यहाँ दा लगने से स्पष्ट हो गया कि ताजमहल कोई विशेष वस्तु है, विशेष स्थान है, विशेष चीज है, कोई विशेष नाउन के रूप में इसका यूज यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। यहाँ पर एन जो आर्टिकल है वो एक इंडियन शब्द को आम बना रहा है, मैं एक भारतीय हूँ या मैं कोई भारतीय हूँ, जैसे बाकी भारतीय हैं उसी तरह से मैं भी एक भारतीय हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर इज ए लॉयर, मेरे पिताजी एक वकील हैं। यहाँ पर लॉयर के आगे ए वर्ड का यूज हुआ है, तो मेरे पिताजी एक वकील हैं या कोई वकील हैं, यानी कि कोई विशेष बात नहीं है, जैसे बाकी वकील हैं वैसे बाकी वकीलों की तरह ही एक वकील वो है। तो जब कोई या एक के अर्थ में यूज होता है तो ए एन का यूज करते हैं, पहली बार किसी भी नाउन के आगे जब यूज होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तब अपने ए एन का यूज करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आगे हमेशा ही दा का यूज होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सेकंड थर्ड टाइम जब यूज करते हैं तब दा का यूज करते हैं। तो गाइज अब जानते हैं डिटरमिनर्स के बारे में। डिटरमिनर्स ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन से या किसी नाउन फ्रेज से पहले आते हैं और उस नाउन या उस नाउन फ्रेज की संख्या यानी कि नंबर को बताते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, या उसकी सर्टेनिटी को बताते हैं, या उसकी अनसर्टेनिटी को बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है। आर्टिकल्स को भी कुछ टीचर्स जो हैं डिटरमिनर्स में काउंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग से आर्टिकल्स के बारे में बता दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रामेटिकल वर्ड्स के बारे में जानकारी हो। एग्जाम्पल के द्वारा आपने इस बात को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ये मैनी वर्ड है ये आपका डिटरमिनर है, मेरे अनेक मित्र हैं, संख्या के बारे में बता रहा है, मित्रों की संख्या कितनी है, अनेक। तो ये जो मैनी है ये डिटरमिनर है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कैन, यानी कि जो कैनी है या जो भी कैनिस्टर है उसके अंदर थोड़ा दूध है। तो ये जो ए लिटिल वर्ड है ये दूध की मात्रा को बता रहा है, तो यहाँ पर ए लिटिल ये जो वर्ड है ये डिटरमिनर है। तो जो भी वर्ड्स किसी भी नाउन की मात्रा, संख्या, निश्चितता, अनिश्चितता के बारे में कोई जानकारी दे वो वर्ड होगा डिटरमिनर। अब जानते हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन यानी कि जंक्शन, यानी कि जोड़ने का काम, जैसा कि इसका नाम है, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को या वर्ड फ्रेजेस को या क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन वर्ड्स को कंजंक्शंस कहा जाता है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे चाहे तो, चाहे वर्ड फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे, शब्दों के समूह को जोड़ने का काम करे, चाहे दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करे, उनको अपने कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है शी इज ईदर ए डॉक्टर और ए नर्स। यहाँ पर जो ये ईदर वर्ड आया है और ये जो और वर्ड आया है ये डॉक्टर और नर्स को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब कि वह या तो एक डॉक्टर है या एक नर्स है।
ये जो वर्ड है इधर और, ये डॉक्टर और नर्स को आपस में कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों वर्ड्स क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द विलेजर रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस। गांव वाला यानी ग्रामीण तेज दौड़ा जिससे कि वो बस को पकड़ पाए, बस को पकड़ सके। तो यहाँ पर जो ये शब्द आया है सो दैट, जिसका मतलब है जिससे कि या ताकि, ये जो वर्ड है ये दो, ये जो क्लोज है द विलेजर रेन फास्ट, ये एक अलग क्लोज है, और दूसरा ही माइट कैच द बस, ये एक अलग क्लोज है। इन दोनों को जोड़ने का काम ये वर्ड कर रहा है सो दैट, तो यहाँ पर सो दैट कंजंक्शन है। फ्रेंड्स, अब अपने आज के अपने लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शंस के बारे में जानते हैं। इंटरजेक्शन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। उनका कई बार कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी विशेष प्रकार की फीलिंग को, एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनका अपने यूज करते हैं। खुशी के लिए अलग वर्ड का यूज करते हैं, दुख के लिए अलग वर्ड का यूज करते हैं, और आश्चर्य के लिए अलग वर्ड का यूज करते हैं। खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव के लिए कुछ अलग वर्ड का यूज करते हैं। जिन वर्ड्स का इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने में यूज किया जाता है, उन वर्ड्स को इंटरजेक्शंस के नाम से जाना जाता है। जैसे खुशी के लिए हुर्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, इंटरजेक्शन है। यहाँ पर सेंटेंस आपको दे रखा है हुर्रा वी हैव वोन द मैच, मतलब कि हम मैच जीत गए। तो हुर्रा शब्द है यहाँ पर, यहाँ इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, एक खुशी व्यक्त करने का तरीका है, खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड है ये। तो ये जो वर्ड है इसको इंटरजेक्शन के नाम से अपने जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाव, व्हाट ए सारी, मतलब आश्चर्य और खुशी दोनों का मिला जुला रूप है ये वाव शब्द। क्या सारी है, मतलब साड़ी कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, यानी सरप्राइज भी है और हैप्पीनेस भी है, दोनों को मिला जुला जो रूप है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वाव वर्ड का यूज करते हैं। तो ये जो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं इनको अपने इंटरजेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।